गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम करने वाले हैं 17th of January 2024 के द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और सबसे पहले अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है या फिर इमेजेस चाहिए आर्टिकल्स की, तो आप जाकर मेरे जो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ पर डेली के पीडीएफ द हिंदू न्यूज़पेपर प्लस में जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उन दोनों का जो एनालिसिस होता है, जो जो आर्टिकल यहाँ पर यूपीएससी के लिए रेलिवेंट है, वो वहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। डिफेंस अपग्रेड रोड मैप, एपेक्स बॉडी लेड बाय पीएम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंस एंड टेक यूनिट। देखिए क्या बात की गई है। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पहली बात क्या है, जीएस के प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, येस इट इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, ये जीएस के पेपर 3 मेंस के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो किस चीज़ में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि डीआरडीओ क्या है, प्लस इसकी रिकमेंडेशन क्या है, या फिर हो सकता है कि आपसे सवाल ऐसे ना पूछ के पूछ लिया जाए कि डीआरडीओ के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आने चाहिए, तो ये सवाल आ सकता है। तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, इसलिए हम पढ़ते हैं। क्या बात की जा रही है कि डिफेंस मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, सर्विस चीफ, मेंबर ऑफ एकेडमिक एंड इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पर यूनिट के अंदर, मॉडर्न मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो साइंस एंड टेक यूनिट बनाने के बात की जा रही है उसके अंदर डाला जाए। देखिए, एक टॉप बॉडी जो कि चेयर की गई थी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसमें डिफेंस मिनिस्टर और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर, कौन है डिफेंस मिनिस्टर, राजनाथ सिंह, कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यहां पर है अजीत डोल, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जो कि है श्री जगदीप धनखड़ जी, ये सब मिलकर इन्होंने डिटरमाइन किया है कि इंडिया के अंदर एक डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर थोड़ा सा एक मेजर प्रोजेक्ट होना चाहिए, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और एक रिकमेंडेशन दी गई है। देखिए पिछले साल क्या हुआ था ना, ये जो टॉप बॉडी है इसको बनाने की बात की गई थी डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल के द्वारा। कौन सी काउंसिल है ये, क्यों इसको काउंसिल बोला जाएगा, क्योंकि पिछले साल एक कमेटी बनाई गई थी। ये जो कमेटी थी ये जानी जाएगी विजय राघवन कमेटी के नाम से। अब ये कमेटी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर ऐसा इसको एग्जीक्यूशन मिल जाता है तो दैट मीन्स कि ये अभी करंट में हुआ है, ठीक है। 2023 को ये कमेटी बनती है, 2023 को इस कमेटी में काम दिया जाता है कि ये कमेटी, 9 मेंबर्स की ये कमेटी थी, 9 मेंबर्स की, कि इस कमेटी को ये पता लगाना है कि गवर्नमेंट के जो फंक्शनिंग क्या क्या है, कि कैसे डीआरडीओ के अंदर, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, यहां पर क्या क्या रिफॉर्म लाए जा सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं, तो ये इस कमेटी के ऊपर छोड़ा गया था। गवर्नमेंट का डिसीजन ये था कि वो जो फंक्शनिंग है डीआरडीओ की, उसके ऊपर आकर यहां पर उसको एग्जामिन करेगी, रिव्यू करना चाहती है। कमेटी ने बहुत सारी बातें बताई, जैसे पहली बातें बताई कि डीआरडीओ के अंदर प्रोजेक्ट जो है वो काफी डिले होते हैं। यहां पर एक साल का डाटा दिया गया जिसमें 50 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको पास करना था, उनमें से 23 ऐसे प्रोजेक्ट थे, मोर देन 45%, ये क्या बोल रहे हैं कि जो डिले हो गए, टाइम पे पूरे हो ही नहीं पाए। दूसरी प्रॉब्लम डीआरडीओ में यहाँ पर ये मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी है, और जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं यानी कि जो बहुत ही एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी के साथ, उनकी भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखी गई है। उसके अलावा हम ये भी देख पाते हैं कि कैसे 2022 के साथ अगर दिसंबर को कंपेयर करें हम, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी जो होता है, उन्होंने एक रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर टेबल की थी जिसमें उन्होंने बताया कि 119 प्रोजेक्ट्स में से 119 प्रोजेक्ट जो कि 67% बन जाता है, 170 प्रोजेक्ट ऐसे थे जो फेल हो गए जिनकी टाइमलाइंस को प्रपोज किया गया था। तो हर साल ये देखा जा रहा है कि कैसे टाइम पर जो प्रोजेक्ट है वो पूरे नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा भी चेंजेस की क्या बातें की गई हैं, देखिए चेंजेस की बातों में ये बोला गया है कि एक यहां पर एक नया डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है आपकी एमओडी, उसके अंदर एक नया डिपार्टमेंट बन जाना चाहिए। और वो डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, वो जो डिपार्टमेंट हो उसका नाम होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस साइंस, यानी कि डिफेंस साइंस के ऊपर भी वही काम कर रहा है यहां पर। उसके अलावा
अलावा ये जो डिपार्टमेंट होगा टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, टेक्नोलॉजी और उसके अलावा इनोवेशन यानी कि आविष्कार जो होते हैं, आप इनोवेट कर रहे हो चीज़ों को, तो ये तीनों चीज़ों के लिए एक नया डिपार्टमेंट होना चाहिए। इसको हेड किया जाना चाहिए किसी टेक्निक्रेट के द्वारा जिसको टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज्ञान है, वो इसका चेयरपर्सन होना चाहिए। जैसे इसरो की हम बात करते हैं, राइट, इसरो में हमने बहुत बार ये देखा गया है कि उनका जो डायरेक्टर होते हैं वो कौन होते हैं इसरो के, बहुत ही खुद जिन्होंने स्पेस के अंदर या खुद जो उस फील्ड के एक्सपर्ट रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है और इसी की एक काउंसिल होनी चाहिए, DTC जिसको बोला जा रहा है, डिफेंस टेक्नोलॉजी काउंसिल। ये काउंसिल हेडेड करी जानी चाहिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसके अलावा जो हमारे डिफेंस के मिनिस्टर हैं, उसके अलावा जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, तो ये सब यहाँ पर होना चाहिए। और बहुत सारे ये जो नया डिपार्टमेंट होगा इसके अंदर बहुत सारे एकेडमियंस को लेकर आना चाहिए, ठीक है, जिनको इस चीज़ की एक बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ज्ञान है जिनको कि हमें जो काम करना है वो किस तरीके से करना है। एक्सपर्टीज़ पर ध्यान थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये अभी तक रिफॉर्म्स है, आप भी अपने आंसर के अंदर मेंस में इन्हीं रिफॉर्म्स का जिक्र कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो कि लिखा गया है सी राजा मोहन के द्वारा। हमें पता है कि जनवरी यहाँ पर 16 से क्या हुआ है, डेवोस का समिट, जनवरी 16 से 19 तक डेवोस समिट शुरू हो गया है। डेवोस कहाँ पर है, एक कंट्री है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये जो लैंड है यहाँ पर इसको शुरू किया गया था 19th century के बहुत ही 1950s के बाद में, जब हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर का एरा ख़त्म हो रहा है, तो उस समय पर ये एक ऐसा समिट बनाया गया था जो चाहते थे लोग के जो इकोनॉमिकली थोड़े से स्ट्रॉन्ग देश है या जो लोग हैं उन सभी को एक फोरम मिल सके, वो एक जगह पर आकर इकट्ठा हो सके, बातें कर सके। तो यहीं पर ये सी राजा मोहन जी तीन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला तो कि देखिए ग्लोबलाइजेशन की वजह से ना बहुत सारा हमें पता चला है कि ग्लोबलाइजेशन के कितने फ़ायदे हुए हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। कंट्री जो है अलग अलग एक गाँव की तरह बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी हैं, लेकिन इसके सामने कुछ अभी प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या है, जैसे कि एक तरफ डेवोस में इनको यहाँ पर बात की जा रही है कि इन्होंने डेवोस का जो कंसेप्ट है उसको निकाला, जो कि एक प्रोफेसर रह चुके हैं मेलन के नाम से, और उन्होंने इसका कंसेप्ट निकाला था कि वो ग्लोबल ट्रोटिंग इलीट को दिखा रहे हैं कि इलीट जो वर्ग है वो यहाँ पर आइए और बातचीत करिए। दूसरा हम देख पाएंगे कि कोल्ड वॉर के बाद में दूसरे जो एंटिटीज़ है जैसे कि नाम, देखिए 2024 में अब ये साथ साथ ही होने वाले हैं, नाम प्लस दूसरा यहाँ पर G77 का जो ग्रुप है वो भी होने वाला है यहाँ पर कंपाला के अंदर। तो ये सारी चीज़ें कि कैसे ये कंट्रारी हैं एक दूसरे से, कैसे वो एलीट की बात कर रहा है, यहाँ पर डेवलपमेंट की बातें की जा रही हैं। तो इन एंटिटीज़ को जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो बहुत ही अंडर प्रिविलेज पहले रह चुकी हैं, चलिए इसको थोड़ा पॉइंट्स में बांट के समझते हैं सो दैट हमारे लिए समझना आसान हो जाए। हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या बातें की जा रही हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज हम देखेंगे कि एरोजन हो रहा है। ये जो हमने अभी तक का देख पा रहे थे कि हम एक बॉर्डर था, एक हम देख पा रहे थे कि एक क्राइटेरिया बना हुआ था डेवोस मैन के वर्ल्ड का, वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है दो कारणों से। एक तो डेवोस मैन का जो वर्ल्ड का ऑर्डर है वो खुद ही हो रहा है, दूसरा जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अमर्ज होकर ऊपर आ रही हैं, राइट। तो क्या हो रहा है ना कि ये जो डेवोस मैन का मंत्र है ग्लोबलाइजेशन, कैपिटलिज्म एंड फ्री ट्रेड, क्या मंत्र है यहाँ पर, ग्लोबलाइजेशन होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, उसके अलावा क्या होना चाहिए, कैपिटलाइजेशन। अब आप अमेरिका को देखेंगे पूरा का पूरा कैपिटलाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड है, बहुत ज़्यादा मानते हैं उस चीज़ को, प्लस यहाँ पर फ्री ट्रेड ये इनका मंत्र है, तो इस चीज़ के ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इन सारे कारणों की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस देखने को मिले, सेटबैक देखने को मिले। कुछ मेजर पावर्स ऐसी हैं जैसे कि हम USA को यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, मेजर पावर्स में रशिया का लेते हैं, नाउ अमर्जिंग जो मेजर पावर बनना चाहती हैं वो क्या है यहाँ पर, EU+ में हम देखेंगे चाइना भी अमर्ज कर रहा है। तो ये जो पावर्स है ना ये काफ़ी टाइम में कॉन्फ्लिक्ट में रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम रशिया और जो USA वो तो बहुत ही समय से कॉन्फ्लिक्ट के साथ चल रहा है। जब से USSR का ब्रेकडाउन हुआ है तब से हम देख पाएंगे कि कैसे अमेरिका एक उभरता हुआ सितारे की तरह ऊपर आया और ग्लोबल पावर बन गया, लेकिन रशिया को ये एक्सेप्टेबल नहीं है और वो चाहता है कि नहीं आज भी मैं उतना ही ज़्यादा सफिशियंट हूँ। और इन्हीं कारणों की वजह से सोशियो पॉलिटिकल अपहेल देखने को मिलते हैं। देखिए आप कॉन्फ्लिक्ट में लगातार रहेंगे
क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का वजह। अभी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह हमें पता है वो एक जेलसी है, वो पावर के लिए लड़ाई हो रही है, लेकिन इसकी वजह से सोशियो पॉलिटिकल सोसाइटी में अपवेल रहता है, सोसाइटी नहीं चाहती है कुछ लीडर्स के साथ ऐसा हो। पॉलिटिकली भी हम देख पाते हैं कि कैसे एक अपवेल रहता है, हर चीज़ क्या होती है थोड़ा सा उखड़ी हुई हो जाती है। और इन्हीं कारणों से जब ये देखने को मिलेगा तो अब क्या होगा, इकोनॉमीज़ को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यही होता है कि 20th सेंचुरी के अंदर भी जो हम देख पाते हैं प्रो ग्लोबलाइजेशन एजेंडा था, उसके होने के बाद भी यहाँ पर इकोनॉमीज़ को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसके अलावा हम देख पाएंगे चाइना और USA के अंदर भी यहाँ पर टेंशन है जो ग्लोबल ट्रेड को डिस्टर्ब करती हैं, राइट, कि वो सेंक्शंस लगा रहा है, ट्रेड नहीं कर रहा है, इससे इकोनॉमिक नॉर्म्स जो होते हैं उनको क्या हो रहा है, यहाँ पर नुकसान देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो कि बात कर रहा है, हम देख पाएंगे क्या बातें कर रहा है कि चैलेंजेस क्या हैं। देखिए यहाँ पर बार बार ग्लोबल साउथ की बात होती है, ठीक है, तो जब हम बात करते हैं ग्लोबल साउथ की तो हमें समझ में आना चाहिए कि ग्लोबल साउथ इतना ज़्यादा सामने पहले बात तो क्यों आ रहा है, और दूसरी बात है कि ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं कि उसको ग्लोबल साउथ का नाम लेना पड़ा। आप पहले ये कंसेप्ट समझ लीजिए कि ग्लोबल साउथ एक्चुअली में है क्या। यूजुअली जब हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में जाते तो हमें समझ में आता है कि अर्थ हमारी इस तरीके से बटी हुई है, बीच में होता है 0 डिग्री, जिसे हम लोगों ने इक्वेटर का नाम दे दिया है, उससे ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे के पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन ये अगर ऐसे जाए तो हमें लगेगा कि जो सदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट है वही ग्लोबल साउथ में आता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ग्लोबल साउथ को यहां पर डिवाइड किया गया है, किस चीज के ऊपर डिवाइड किया गया है, इकोनॉमी के ऊपर, उसके स्टेटस के ऊपर कि क्या वो एक डेवलप्ड कंट्री बन चुकी है या फिर वो अभी भी यहाँ पर डेवलपिंग स्टेट के अंदर है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मायने रखती हैं, बताती हैं कि कोई भी कंट्री ग्लोबल साउथ के अंदर आएगी या नहीं आएगी। फिर इंडिया बहुत बड़ा इसका लीडर बनना चाहता है, नाम को हम देख सकते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, ये भी यहाँ पर ग्लोबल साउथ के साथ ही है कि हम तो डेवलपमेंट के साथ नहीं जुड़ेंगे। फिर G77, हमने ग्रुप 7 के बारे में सुना है, ग्रुप 20 के बारे में सुना है जिसकी लीडरशिप इंडिया कर रहा था। अब G77 के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी इकोनॉमीज हैं जो रिप्रेजेंट कर रही है डेवलपिंग कंट्रीज को, या तो वो डेवलपिंग स्टेट के अंदर है या फिर अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, डेवलप नहीं है, और इनको बोल रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो ग्लोबल लैंडस्केप है उनके अंदर अपनी जगह को बनाए। देखिए अगर आज के जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट को हम देख पाते हैं तो हमें समझ में आता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी दोस्ती ऐसी नहीं होती है जो यहाँ पर ऐसे ही बना ली जाए, बल्कि बहुत ही स्ट्रेटजिकली हम लोग स्ट्रेटजी के हिसाब से किसी के साथ अलाइन करते हैं, किसी के साथ जाके मिलते हैं, राइट। और इसी वजह से जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, आज एक दूसरा देश दूसरे देश के साथ जुड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल इंडिया जुड़ा हुआ है मान लीजिए USA के साथ, तो इसी वजह से, क्योंकि USA को इंडिया से कोई फायदा है, इंडिया को USA से कोई फायदा है, दोनों एक दूसरे से फायदे के लिए जुड़े हुए हैं, लेकिन डेवलप्ड कंट्री को, खासकर डेवलपिंग कंट्री से या अंडर डेवलप्ड कंट्री से थोड़ा कम फायदा होता है, इनको यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ट्रेड वगैरह के हिसाब से अगर हम देखें तो ये एक अलाइनमेंट के साथ में ग्लोबल साउथ सॉलिडरिटी जो है, एकता तो दिखाई दे रही है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज में कि वो सब एक साथ मिल रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है आप लोग हमें वापस छोड़ रहे हो ना, आप लोग थोड़ी एलिट कंट्री हो, लीजिए हम खुद ही साथ में मिल जाते हैं, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो एकता दिखाई दे रही है वो एक कहीं से जो हम सोच रहे हैं कि रिजोल्व कर देगी ये चीज़ों को, जो भी शिफ्टिंग जियोपॉलिटिक्स दिखाई दे रहा है वो शायद अभी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं है, उचित नहीं है कि वो रिजोल्व कर पाए, क्योंकि अगर आपको ग्लोबल ऑर्डर बना रहे इसमें तो फिर से दुनिया बट जाती है ना दो भागों में, एक भागों में आपके डेवलप्ड या एलिट आ जाते हैं डेवोस जैसी कंट्रीज, दूसरों में हम देख पाएंगे ग्लोबल साउथ जैसी कंट्रीज है। अगर आप इनको बिल्कुल डिवीजन करके रखोगे तो ना इनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा ना इनका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, राइट। तो अभी क्या करना चाहिए, बैलेंस बनाना होगा ताकि मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सकें। आगे हम कुछ यहाँ पर चाइना की बातें की गई हैं, चाइना प्लस जो इंडिया का स्टेटस है वो किस प्रकार का स्टेटस है, तीनों चीज़ों को यहाँ पर देखा जाएगा। तो सबसे पहले कि ये चाइना की पोजीशनिंग क्या है फिलहाल में, उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया का क्या रोल है, इंडिया का क्या रोल है प्लस इंडिया के सामने क्या क्या यहाँ पर चैलेंजेस हैं। तो इंडिया के रोल को भी हम यहाँ पर देख पाएंगे कि इंडिया क्या चाहता है फिलहाल में,
ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि चाइना की यहाँ पर पोजीशनिंग क्या है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं डेवोस के सामने और एक नए उभरते हुए वर्ल्ड के सामने, तो यहाँ पर आरसी राजा मोहन जी जो वो बताते हैं कि चाइना एक इंटरेस्टिंग रोल प्ले कर रहा है, एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ये जो ब्रिज होने वाला है, ये डेवलपिंग नॉर्थ के ऊपर जो डेवलप हो चुके हैं, जो विकसित हो चुके हैं, और जो ये एक डेवलपिंग साउथ है कि जो विकासशील साउथ हमें देखने को मिल रहा है, इनके तरफ में बीच में एक ब्रिज की तरह बन गया है, एक तरीके से पुल की तरह बन चुका है। और ये लेवरेज कर रहा है, इसकी इकोनॉमी काफी स्ट्रॉन्ग है, जियोपॉलिटिकल क्लाउड को हम देख सकते हैं कि वो बार बार यूएसए की, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डेवलप नेशन को भी बार बार कहीं ना कहीं चैलेंज करता रहता है। यूएस के जो ग्लोबल स्ट्रक्चर यूएसए द्वारा बनाया गया है, उसका अल्टरनेटिव पाथ ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है कि डेवलपमेंट को थोड़ा सा अलग तरीके से भी तो देखा जा सकता है ना। हम लोग तो अलग तरीके से डेवलपमेंट अपना लेकर आएंगे, तो अल्टरनेटिवली ये काम कर रहा है। इसके अलावा बार बार अपनी पावर को स्ट्रोंग बना रहा है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हर कंट्री क्या चाहेगी, अपनी पावर को स्ट्रोंग बनाना चाहेगी। तो यही देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर चाइना जो है वो लगातार अलग अलग कंट्रीज के साथ अपने संबंध बनाता है। छोटी कंट्रीज को यहां पर हम देख पाएंगे, श्रीलंका या फिर अफ्रीका के जैसे में भी उसका ब्रिज जो है, यहाँ पर बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव जो हम देख पाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे कि वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में जो कि डेवलपिंग स्टेट के अंदर हैं उनके ऊपर अपना साथ निभा रहा है, उनको अपना एज अ पार्टनर बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के रोल क्या है, इंडिया के भी कुछ ऐसे ही रोल है। इंडिया खुद यहाँ पर लीडर बन चुका है ग्लोबल साउथ का। इंडिया में हम देख पाएंगे ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया ने क्या क्या किया है। पहली बात तो उनको एक स्टेज प्रोवाइड की है। देखिए, स्टेज कैसे प्रोवाइड की है कि जब इंडिया के पास में G20 की यहाँ पर लीडरशिप है, तो इंडिया उसके अंदर यहां पर अफ्रीकन यूनियन को कहता है कि आप लोग आइए, आप लोग ऐड हो जाइए। अफ्रीकन यूनियन में कितने मेंबर है, 57 ऐसे देश हैं जो कि अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। इनमें से 5 ऐसी कंट्रीज जो परमानेंट मेंबर भी यहां पर बन जाती हैं, और जो ईयू है उसका यहाँ पर समावेलन हो जाता है। अब इंडिया क्या बात कर रहा है कि मैं सभी को एक साथ लेके चलूँगा, चाहे वो फिर ब्राज़ील हो, चाहे फिर यहाँ पर अफ्रीका की कोई कंट्री हो, तंजानिया हो, हम सब एक साथ मिलकर यहाँ पर विकास की तरफ बढ़ेंगे। आप लोगों को कमी थी, यूएसए ने उस रोल को कभी नहीं निभाया, लेकिन मैं निभाऊंगा, तो इस तरीके से दिखाई देता है। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया चाहता है चाइना की पोजिशन को काउंटर करना। इंडिया क्या कर रहा है, काउंटरिंग यहाँ पर दिखा रहा है कि अगर तुम आगे बढ़ सकते हो तो मैं भी यहां पर ग्लोबल साउथ का लीडर बनके दिखाऊंगा। तो एक बैलेंस दिखा रहा है, खुद का बैलेंस दिखा रहा है नॉर्थ के इंटरेक्शन के साथ और हिस्टोरिक और जो कल्चरल एसोसिएशन है इंडिया की ग्लोबल साउथ के साथ। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम इस वजह से नॉर्थ के जो कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्री, उनके साथ अपने संबंधों को खराब कर दे, जैसे चाइना का केस में ज्यादातर देखने को मिलता है। इंडिया वैसा नहीं कर रहा है, इसका रीजन है, देखिए, यूरोप के साथ भी हम अभी FTA साइन करने की बातें चल रही है, 3 साल से हो चुका है उसके ऊपर काम हो रहे। ऑस्ट्रेलिया के साथ यहां पर FTA फाइनलाइज हो चुका है पहले ही, फिर हम देखेंगे यूएसए के साथ में भी यहां पर FTA की बातें चल रही। तो ये सारे क्या है, संबंध और ज्यादा मजबूत बनाए जा रहे हैं कि हमारा ट्रेड इससे और ज्यादा बढ़े। फिर इंडिया का रोल नाम के अंदर और जो G77 है उसके अंदर भी हम देख पाएंगे कि वो कैसे यहाँ पर अपनी भूमिका निभा रहा है, इनमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और इनके अंदर इंडिया और क्या रोल निभाएगा अपना, वो बताएगा हमें कि जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसका डिसीजन कैसे हो सकता है या वो आगे किस तरीके से बढ़ने वाली है। खैर, अभी तक जो भी आर्टिकल लिखा गया था सी राजा मोहन जी के द्वारा, उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात को समझा दिया है कि देखिए, जो ग्लोबल एलीट हैं, एलीट यानी कि विकसित देश है, उनके प्लस में यहां पर हम देख पाएंगे देवोश मानो जो है या फिर ग्लोबल साउथ है, दोनों ही एक दूसरे के रियलिटीज जो है ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उसके साथ में यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, चेंज ला रहे हैं दोनों के अंदर ही। चाहे यहां पर डेवलप नेशन हो, उनकी पोजिशनिंग में भी चेंज आ रहा है, चाहे यहां पर ग्लोबल साउथ जैसी डेवलपिंग कंट्रीज हो, दोनों की ही पोजिशन में एक शिफ्ट, एक रैपिडली शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वर्ल्ड का ऑर्डर यहां पर चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर की तरफ यहाँ पर जाए या फिर जो मॉडल्स फेस चैलेंजेस होती हैं कंट्रीज, जैसे इंडिया जैसी कंट्री है, चाइना जैसी कंट्रीज है, तो इनकी जो कंट्रीज है वो बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव और अल्टरनेटिव यहाँ पर लेके आती है टेबल के ऊपर। क्योंकि ये कंट्रीज क्या कर रही है, इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज, ये कंट्रीज एक मिडल ही बीच में से निकल कर आ रही है। देखिए, एक सुपर पावर है, मान लीजिए यूएसए जैसी कंट्रीज है,
फिर हम देख पाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो कि किस प्रकार से हैं, ये कंट्रीज़ कुछ ऐसी हैं जो बीच में अपने आप को उभार रही है, कह रही है कि हम आपसे टक्कर ले सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से हमें अल्टरनेटिवली दिखाई दे रहा है, और यही सारी चीज़ें होंगी कि नेगोशिएशन क्या होंगे, डिफरेंस क्या होंगे, और इसी से पता चलेगा कि फ्यूचर क्या होने वाला है यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि लिखा गया है मारिए ई जोन के द्वारा, बात करती है अंडर गाइज ऑफ जेंडर जस्टिस। ये जो है पूरा का पूरा जो आर्टिकल है बेस किया गया है दो अभी जो पॉलिसीज आई हैं असम के अंदर। पहली जो पॉलिसी है वो बात कर रही है यहाँ पर यूसीसी की, ठीक है। यूसीसी क्या होता है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यहाँ पर पाया जाता है, किसके अंदर पाया जाता है? डीपीएसपी के अंदर। तो ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमें बताती है कि कैसे इंडिया के अंदर यूसीसी को लाने की कोशिश करनी होगी, और ये कोशिश करनी चाहिए, लेके आना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब हम बात करते हैं यूसीसी है क्या एक्चुअली में। यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका मतलब यहाँ पर होता है कि आपका कोई भी नागरिक हो, कोई डिपेंड नहीं करता वो किस रिलीजन से आता है, किस समाज से यहाँ पर निकल कर आया, इन सारी बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बस फ़र्क पड़ता है तो इस चीज़ से पड़ता है कि वो इंडियन है या नहीं है। अगर वो इंडियन है तो जितने भी लीगल यहाँ पर कानून होते हैं, जितने भी लॉ होते हैं, वो सभी पर सेम लगेंगे। इसी वजह से ये क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर है। तो अभी तक ये सेंटर में नहीं लाया जा चुका है, क्योंकि मुस्लिम कुछ लोग ऐसे हैं, हिंदू कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद के अपने एक्ट है, जैसे हिंदू का खुद का मैरिज एक्ट है, पर्सनल इनहेरिटेंस के एक्ट है, तो उन वो अपनी सभ्यताओं के ऊपर, वो अपने कस्टम के ऊपर ज़्यादातर चलते हैं। इसी वजह से अब तक ये नहीं हो पाया, चाहे वो मैरिज के परस्पेक्टिव में देखा जाए, चाहे वो किसी भी परस्पेक्टिव में हम देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक दूसरी स्कीम की बात की गई है आर्टिकल के अंदर, जो कि यहाँ पर पहली स्कीम आसाम के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत की, दूसरी भी स्कीम उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई है जो कि है मुक्ति माहौल महिला उद्यमिता अभियान। देखिए ये क्या बात कर रहा है कि महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो महिलाओं को एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है? कि वो थोड़ा सा ज़्यादा काम पढ़ाई कर सके, ज़्यादा यहाँ पर काम कर सके सोसाइटी के अंदर आकर, उनका जो योगदान है उसको ज़्यादा अच्छे से दे सके सोसाइटी के अंदर। और इन्हीं की वजह से कुछ कॉन्ट्रोवर्सी एंड डिबेट होगी। अब कॉन्ट्रोवर्सी एंड डिबेट किस चीज़ को लेकर है? कंट्रोवर्सी यहाँ पर हो रही है जो बच्चे हैं, जो एज दिया गया है कि जो स्कीम के बेनिफिट होने वाले हैं ना, वो बेनिफिट होंगे जिनके चाइल्ड, अगर वो एससी कैटेगरी से यहाँ पर हैं तो अगर उनको चार बच्चों से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको ये नहीं मिलेगा, तो चार या फिर चार से कम होने चाहिए, ठीक है। फिर हम देख पाते हैं अगर वो और जो भी कोई है, और जितने भी जनरल वुमन हैं उनमें हम देख पाएंगे कि ये जो बच्चों की संख्या है ये तीन से ज़्यादा यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी अकॉर्डिंग टू ऑथर ये गलत लग रहा है। कारण क्या है गलत लगने का, वो उस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये कहती हैं कि सबसे पहले तो देखिए, पहले ही यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ता है ना, मान लीजिए आपको टू चाइल्ड पॉलिसी यहाँ पर लेकर आनी पड़ गई है, चाइना से हम एग्जांपल लेते हैं। लेकिन जब हम एग्जांपल ले रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, कोई भी काम लाना क्यों पड़ता है। रीज़न पे हम जाएंगे तो देख पाएंगे कि क्योंकि जो फर्टिलिटी का लेवल था वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ा हुआ था, राइट। और इसी को कम करने के लिए, फर्टिलिटी का लेवल ज़्यादा है तो पॉपुलेशन यहाँ पर क्या होगी? बढ़ेगी। और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज घटेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा लोग अब उसको इस्तेमाल करने वाले हैं, राइट। तो इसी को कम करने के लिए लाए गए टू चाइल्ड पॉलिसी। अब यहाँ पर इसके दो अल्टरनेटिव्स है। देखिए पहला अल्टरनेटिव क्या है कि आप डेमोक्रेटिक तरीके से, आप डेमोक्रेसी को तोड़ के, हम चाइना में देख पाएंगे कि डेमोक्रेसी तो वहाँ पर नहीं काम करती है जिस तरीके से लोकतंत्र को काम करना चाहिए। क्या वहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है? हाँ, वहाँ पर वन कहीं इलेक्शन वगैरह को हम देख पाते हैं कि वन पार्टी सिस्टम वहाँ पर काम करता है। लेकिन इंडिया में क्या है कि जितने भी नेशन है जो भी डेमोक्रेसी को मानते हैं, वो यहाँ पर इस चीज के हिसाब से गलत है कि स्टेट जो कि पर्सनल फैमिली मैटर है यहाँ पर, उनके अंदर स्टेट को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप जो है वो नहीं करना चाहिए, इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, ठीक है, इस तरीके से गलत हो जाता है।
तो स्टेट कैसे इस चीज़ को कम कर सकता है, अगर उसको पॉपुलेशन को कम करना है, वो कर सकता है एजुकेशन के तरीके से कि आप महिलाओं में अवेयरनेस और एजुकेशन को अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे, वैसे तो समाज के हर तबके में एजुकेशन बहुत बड़ा रोल निभाएगी, लेकिन इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जो उनकी मैरिज की वो एज होती है वो डिले हो जाएगी, क्योंकि वो पढ़ाई ज़्यादा कर रही हैं। अब डिले होगी तो करियर पर भी उनका फोकस होगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की है कि वो अपना करियर यहाँ पर बनाए। उसके बाद हम देख पाएंगे करियर के होते हुए उन्हें ये भी समझ में आएगा कि क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है लाइफ की, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसके ऊपर वो ध्यान देंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाना चाहेंगे, देना चाहेंगे अपने बच्चों को कि हम शिक्षा में उनको अच्छे से करवाएं, उनका लालन पालन अच्छे से हो पाए, तो इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि वेल्थ को भी यहाँ पर ध्यान में लिया जा सकता है कि वेल्थ, अगर अमीर जो लोग होते हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको लगता है कि एक या दो बच्चा बहुत है, खासकर खुद ही ऐसी महिला है जो ऐसा नहीं करना चाहती है। तो ये सारे कारण है, जैसे वेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गई, अवेयरनेस हो गई, कैंपेन्स हो गई, इनके द्वारा भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अब यहाँ तक सारी चीज़ें हमें ठीक ठाक लग रही हैं, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है? चलिए हम मान लेते हैं अगर ये चीज़ ठीक है ही, कोई बात नहीं, ये महिलाओं के लिए ही, उन्हीं को ज़्यादा सशक्त बनाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना ज़्यादा क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ऑथर क्यों उठा रही है? सबसे पहले ये कंट्रोवर्सी इसी कारण से हो रही है ना, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊँ तो हमें क्या देखने को मिलता है कॉन्ट्रोवर्सी में, हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो डिक्रीजिंग है फर्टिलिटी रेट जो है वो ऑलरेडी डिक्रीज कर रहे हैं, ऑलरेडी यहाँ पर कम हो रहे हैं, और जो फर्टिलिटी चेंज जो है वो खुद ही कम हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि जिसकी वजह से जो आसाम के अंदर हमें समझ में आएगा कि वहां पर क्या हुआ है, पॉपुलेशन बढ़ सकती है। कौन बता रहा है इसको? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के द्वारा ये रिकॉर्ड दिया गया है कि ऑलरेडी जो फर्टिलिटी रेट है आसाम के अंदर वो एवरेज 2.2 से घट के 2022 में कितना था, 2.2, यानी एक महिला को 2.2 बच्चे यहाँ पर हो सकते हैं। वो 2023 में यहाँ पर जब कैलकुलेशन की गई थी तो 1.9 के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है, तो फर्टिलिटी रेशो यहाँ पर कम है, तो इस चीज़ को लाने की ज़रूरत क्या थी, समझ नहीं पा रही है उधर। दूसरा हम देख पाएंगे कि देखिए इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ये हिंडर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, चैलेंज कर रहा है डेमोक्रेटिक। मैंने आपको समझाया ना कि डेमोक्रेसी के अंदर यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप क्या करें, जो इतनी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स एंड इक्वालिटी की बातें की जा रही है उनको यहाँ पर वायलेट किया जा रहा है। कैसे? एक तो आप पहले ही आपको जाना नहीं चाहिए, दूसरा हम यहाँ पर देख पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इससे। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप दो बच्चे वालों को तो यहाँ पर कोई चीज़ दे रहे हो, लेकिन जिनके एक बच्चे ज़्यादा हो गया है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप दूर रख रहे हो, राइट, उनके साथ अनइक्वल यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जा रहा है, तो इसी वजह से भी ये कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर बनाता है। फिर हम देखेंगे कि कुछ डिस्पैरिटीज इससे बढ़ने का खतरा है, क्या डिस्पैरिटीज बढ़ सकती हैं, क्या यहाँ पर डिफरेंसेस बढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि सेक्स रेशो जो है, यानी कि आप देख पाएंगे कि जो लड़की और लड़का यहाँ पर होता है उनके अंदर डिस्पैरिटीज इससे बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि जब यहाँ पर देखिए ऐसे चॉइसेस तो नहीं होती है ना लोगों के पास कि आपको लड़का चाहिए लड़की चाहिए, तो चॉइसेस ना होने की वजह से, क्योंकि आज हमारे इंडिया में देखिए सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो भी इलीगल है, उसको भी बैन किया गया है, तो इन्हीं कारणों की वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल हम देख पाएंगे कि जो एक हर कहीं पे रूरल एरिया में चली जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, बायसनेस रहती है कि वो हमेशा क्या चाहते हैं कि जो चाइल्ड हो वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सन होने चाहिए, ज़्यादा सन होने चाहिए, तो इसी वजह से सन को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर बाई चांस लड़की यहाँ पर हो जाती है तो पहले ही उनके साथ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उनके होने की वजह से अब वो दोबारा और बच्चा बनाएंगे तो उनके कुछ प्रिविलेजेस यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, जिनके कारण से उनका यहाँ पर क्या किया जाए आएगा कि उनके साथ जो बिहेवियर है वो और ज़्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर देखा जाएगा कि उनको इतना ज़्यादा डिस्पैरिटीज मिलेंगी यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि कुछ वेरिएशन भी हैं, जैसे कि देखिए पोटेंशियल पॉलिसीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, होना क्या चाहिए यहाँ पर, सॉल्यूशन क्या निकल के आना चाहिए कि जो हम देख पाएंगे कि सॉल्यूशन में यहाँ पर एजुकेशन का इस्तेमाल कर दिया जाना चाहिए, रेदर देन ये जो टू चाइल्ड पॉलिसी है इसकी बजाय क्या करना चाहिए कि आप एजुकेट कर रहे हो औरतों को। मैंने आपको ऊपर समझाया ना कि कैसे एजुकेशन, वेल्थ,
कास्ट वगैरह की, क्योंकि कास्ट में भी हम देख पाते हैं कुछ कास्ट ऐसी होती है जिनको लगता है, या फिर कुछ फॉर्म ऐसा होता है जैसे एग्रीकल्चर वगैरह के अंदर जिनको लगता है कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर काम हो सकता है। तो इसी वजह से कुछ रिलीजन की ऐसी मान्यताएँ होती है कि नहीं, ये तो डिवाइन राइट है, आप अगर कॉन्ट्रास्पेक्शन भी यहाँ पर ले रहे हो या रोकने की कोशिश कर रहे हो प्रेगनेंसी को, तो आप जो भगवान आपको गिफ्ट देना चाहते हैं उनके साथ में यहाँ पर क्या कर रहे हो, काउंटरवेंशन कर रहे हो। तो इसी वजह से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो अडेप्ट नहीं करना चाहती हैं, और ठीक है जो हो रहा है नेचुरल तरीके से उसी को वो करना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हमें दूसरा दिखाई देता है यहाँ पर। और यही पूरा का पूरा एक बार ध्यान इसकी तरफ दिखाना था, हमें समझ में आना चाहिए। जीएस पेपर 3 के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाता है, देखिए अभी क्या हुआ था ना 2023 में, हम ये भी देख पाते हैं 2022 के अंदर ये भी हमें देखने को मिला था कि कैसे जो मैरिज एज थी वुमन की उसके ऊपर एक्ट लाया गया था कि उनकी एज को बढ़ाकर 21 साल कर देना चाहिए, राइट, याद करिए इस न्यूज़ को, ये आई थी पार्लियामेंट में पास हुआ था। हालांकि ये मुद्दा अभी स्टैंडिंग कमेटी के पास में है, स्टैंडिंग कमेटी इस पर पूरी रिपोर्ट्स बना रही है, हम देखेंगे कि इसको पास किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन ये ऐसा हुआ था, इसका कारण क्या था, ताकि जो मैरिज की एज है वो डिले हो जाए। मैरिज की एज अगर डिले होगी तो चाइल्ड बेयरिंग, अब वुमन क्या होती है, वुमन जो पैदा होती है तो उसकी बॉडी की जो ओवरीज है उनमें लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, और जितनी बार भी मेंस्ट्रुएशन होता है हर बार एक एग बाहर निकल आता है, जो कि वैसे भी टीनेज में पहुंचते पहुंचते उनके जो नंबर ऑफ एग्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब उनकी एक सर्टेन एज है रिप्रोडक्शन के लिए, मान लीजिए वो 16 से लेके हम बोलते हैं कि 40 तक या 49 तक यहाँ पर हम देख पाएंगे। जब अगर आप उस एज को थोड़ा सा बढ़ा देंगे कि आप 22 की उम्र में या 24 की उम्र में जाकर पहला बच्चा करेंगे, तो अब हमें समझ में आता है कि 35 तक की यहाँ पर जो कैपेसिटी है बच्चा करने की वो थोड़े से कम हो जाएगी, राइट। उसके अलावा एजुकेशन, उसके अलावा वो करियर बनाएगी, पढ़ाई करेगी 21 साल तक, तो इन सारी बातों के ऊपर बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो ऐसा सवाल आ सकता है मेंस में, इसीलिए इन सारी चीज़ों को यहाँ पर लिंकअप करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाई सो मैनी पीपल आर फॉलिंग सिक इन दिस विंटर एंड हाउ कैन यू स्टे सेफ। देखिए कुछ डाटा दिया गया है यहाँ पर, बोला गया है कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर पीपल हैं जो सिक पड़ रहे हैं इन सर्दियों में। क्या 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 बीमारियाँ यहाँ पे हो रही है, एक तो यहाँ पर कोविड का जो न्यू वेरिएंट है, कोविड का क्या वेरिएंट था यहाँ पर, JN1, वो बहुत सारे लोगों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरा हम देख पाएंगे कि सिक होने के रीज़न क्या हैं, रीजन्स में हम देख पाएंगे कि कैसे जो ये कोविड है वो तो है ही, इसके अलावा यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, पोल्यूशन की वजह से सिकनेस है, प्लस जो कोल्ड है, टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर सिकनेस हमें देखने को मिलती है। तो टेम्परेचर चेंज अपनी एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा रहा है। थर्ड हम देख पाएंगे कि ठीक है क्या क्या यहाँ पर सिकनेस हमें और दिखाई देती है, JN1 को हम देख पा रहे हैं कि JN1 की वजह से सिकनेस हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर निमोनिया देखने को मिल रहा है, कोल्ड और फीवर की शिकायतें हैं, रेस्पिरेटरी संबंधी जो भी आपके सांस लेने से संबंधी यहाँ पर बीमारियाँ होती हैं वो होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यहाँ पर देखा जा रहा है। तो ये सारी सिकनेस बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई है, हॉस्पिटल्स में देखी गई हैं, और इन्हीं में कहा जा रहा है कि अब सेफ कैसे रहे। सेफ रहने के 2-3 यहाँ पर ऑप्शन बताए गए हैं। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, देखिए आपको एक तो वियर करना चाहिए मास्क को यहाँ पर, तो मास्क के ऊपर यहाँ पर जब भी आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो मास्क वगैरह को लगाना चाहिए। उसके अलावा देखिए वायरसेस और बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया में डिफरेंस है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि अभी लोगों को मान लीजिए वायरस हो रहा है, उसकी वजह से उनको कोल्ड जैसी समस्याएं दिखाई दे रही है, उनकी नोज जो है वो रनी हो गई है, लेकिन इसकी वजह से लोग यहाँ पर एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। एंटीबायोटिक्स इस पर कोई भी फ़ायदा नहीं करने वाली है, अगर बात आएगी वायरस के ऊपर, वायरस के ऊपर वो कोई भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं करेगी। तो वायरस के लिए क्या चाहिए होता है, वायरस के लिए आपको चाहिए होता है एंटीवायरस। तो इसी वजह से बार बार ये सवाल आ रहा है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, एंटीवायरस। तो बार बार ये हो रहा है कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ज़्यादा बीमार इसी वजह से भी लोग हो रहे हैं, क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं यहाँ पर तो वो कुछ फ़ायदा तो यहाँ पर नहीं करती है, उल्टा उससे नुकसान आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसी वजह से डॉक्टर के पास जाइए, जो भी आपको फ्लू शॉट वगैरह लेने की ज़रूरत है वो लीजिए आपको, बल्कि सर्दी आने से पहले अगर आपको फ्लू ज़्यादा होता है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर है, तो आपको नवंबर के आसपास में ही यहाँ पर क्या कर लेना चाहिए, फ्लू के शॉट्स को लगवा लेना चाहिए सर्दियों से पहले।
पहले। इसके अलावा अगर किसी को रेस्पिरेटरी संबंधी पहले से ही दिक्कत है, हो सकता है अस्थमा हो सकता है और कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उनको यहाँ पर निमोनिया की वैक्सीन भी पहले ही लगवा लेनी चाहिए सो दैट वो पूरी सर्दियों में यहाँ पर सेफ रह सके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वाई कश्मीर इज विदाउट स्नो। देखिए तीन कारण दिए गए हैं। पहला यहाँ पर रीजन हमें देखने को मिलता है ड्राई विंटर देखने को मिला कि कश्मीर में जो गुलमर्ग की फोटो दी गई है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि 2024 की जनवरी के गुलमर्ग में आप कहीं पर भी आइस नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं इसी को 2019 में तो देखिए कैसे ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र यहाँ पर सेम दिखाया गया वो पूरा बर्फ से यहाँ पर ढका हुआ है। लोग यहाँ पर बर्फ में बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप देखें यहाँ पर कैसे बैरन लैंड दिखाई दे रहा है कि कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे पा रहा है, बर्फ जैसी कोई चीज यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके रीज़न क्या है। सबसे पहले तो रीज़न क्या होगा, ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। दूसरी बात है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पर बारिश होती है ना, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ रेन, जो होगी वो किस फॉर्म में होगी, आइस की फॉर्म में। लेकिन अब की बार ऐसा हुआ ही नहीं है। मोस्टली क्या होता है जब आधा दिसंबर यहाँ पर चला जाता है उस समय से ये बारिश जो होगी आइस की वो शुरू हो जाती है, स्नोफॉल होना शुरू हो जाता है, और यूजुअली ये रेन यहाँ पर चलती रहती है जनवरी तक, फुल जो जनवरी होता है। लेकिन इस साल ऐसा देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला है, एक भी रेन यहाँ पर दिखाई नहीं दी है कुछ पार्ट ऑफ द जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके तीन रीजन्स देखने को मिलते हैं। पहला रीजन हम देख पाएंगे कि क्या रोल है यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टरबेंस का। सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि पश्चिमी डिस्टरबेंस की बात हो रही है। तो जब हम यूरोप को देखते हैं ना, मान लीजिए दिस इज यहाँ पर इटली और ये यूरोप का, यहाँ पर हम देख पाएंगे नीचे क्या है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पर नीचे देख पाएंगे हम साउथ अफ्रीका को भी। तो ये जो बीच का रीजन है ना, ये होता है मेडिटेरियन सी, और जब इस मेडिटेरियन सी के अंदर कुछ वेस्टर्न डिस्टरबेंस आते हैं इससे होते हुए, या फिर जो हम देख पाएंगे ओशंस है उनमें कुछ यहाँ पर डिस्टरबेंस हो रही है, तो वहाँ से वो इन द फॉर्म ऑफ पानी क्या होगा, इक्वेटर के ऊपर आसपास है ये, तो क्या होता है पानी भाप बनकर ऊपर चला जाएगा और वो फिर यहाँ पर हवाओं के सहारे आ जाता है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में हिमालय तक वो ज़्यादा उसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो वो सारा का सारा उधर ही बरसने लग जाता है। इसी वजह से नॉर्थ इंडिया के अंदर हमें रेन दिखाई देती है इन कारणों की वजह से। फिर वो थोड़ा बहुत होके यहाँ पर तमिलनाडु के एरिया में भी आ जाता है, वहाँ पर भी इससे रेन होती है। तो बहुत सारा हमारा मानसून डिपेंड करता है, और ये जो वेस्टर्न होती थी ना डिस्टर्बेंस, ये इस समय पर एक महीने में 4 से 5 बार देखी जाती थी, लेकिन इस साल हमें जनवरी के अंदर और दिसंबर के अंदर ये सिर्फ एक ही बार हुई है, जिसकी वजह से इंडिया में जो रेन होने वाली थी वो नहीं हो पाई। दूसरा हम देखेंगे इल नीनो का इफेक्ट क्या है। पैसिफिक ओशन के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास से जो ये आप देख पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर है, मान लीजिए ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की तरह लैंड है, इसके आसपास से यहाँ पर हम बना देते हैं इंडिया को, राइट। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बहुत सारी ये जो ओशन है, क्योंकि यहाँ का ओशन का टेम्परेचर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा वार्म हो जाता है, तो ये क्या होता है एल नीनो जब होगा, पैसिफिक में बहुत सारे करंट हो रहे हैं, वार्म हो रहा है, तो अब हमें पता है कि हवाएं जब वार्म हो जाती हैं तो बहुत सारी हवाएं और पानी, इसको अपवेलिंग बोलते हैं, कि लगातार जो वाटर है वो हवाओं के साथ में दूर जाना शुरू हो जाता है, ऊपर उठना शुरू हो जाता है, दूर जाना शुरू हो जाता है, और इसी तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पर इंडिया के ऊपर आ जाता है क्योंकि ये जा रहा है, और यहाँ पर जो ठंडा पानी था नीचे से वो आकर इसकी जगह को ले लेता है। तो ये हमें समझ में आता है कि इल नीनो, जब इल नीनो जितनी ज़्यादा यहाँ पर हीट ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड्स बनेंगी, उतनी ज़्यादा जो हवा होगी वो स्ट्रॉन्ग बनेगी, और उतनी ही ज़्यादा इंडिया के अंदर रेन जो होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा मात्रा में होगी, इल नीनो है। तो जब ये इल नीनो होता है या ला नीनो होता है, जब ला नीनो होगा तो ये कंडीशंस बनेंगे कि ठीक है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसी का उल्टा होता है इल नीनो। इल नीनो को मतलब आप ऐसे भी ला से मतलब कर सकते हैं कि ला मानसून, ला मानसून मतलब कि यहाँ पर आएगा, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, लेकिन जब इल नीनो होगा एलिमिनेट होगा तब हम देख पाएंगे कि पैसिफिक के अंदर में ये जो स्ट्रॉन्ग विंड है ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन ही नहीं पाती है। कहाँ तो वो पहले यहाँ पर इंडिया तक आ पा रही थी, अब वो इसी रीजन में बस इतना रह जा रही है। ये होता है इल नीनो और ला नीनो का इफेक्ट, और इसकी वजह से भी क्या होगा कि जो इंडिया में होने वाली रेन्स है उनकी मात्रा यहाँ पर कम हो जाएगी, ठीक है।
ये एक रीज़न यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके अलावा लास्ट रीज़न हम देख पाएंगे कि रिपरकशन यहाँ पर कुछ और भी देखेंगे। पहले तो ड्राई विंटर है, फिर रोल ऑफ वेस्टर्न, इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो, और अभी इसके क्या क्या रिपरकशन है, इसके क्या क्या रिजल्ट होंगे जो ड्राई विंटर इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हम देख पाएंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज कुछ ऐसे हैं। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेज की बातें करते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये काफ़ी गलत होने वाला है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हमें बहुत सारा, एक तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो कम हो जाएगी यहाँ पर पानी से बनने वाले, उसके अलावा ग्लेशियर्स जो हैं वो यहाँ पर मेल्ट करना शुरू कर सकते हैं, मेल्टिंग हो सकती है। और इसके अलावा देखेंगे हम कि अगर स्नोफॉल कम होगी तो जो ग्राउंड वाटर है उसका रिचार्ज भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, तो उसमें भी डिप्लेक्शन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर शॉर्ट टर्म की कि छोटे लेवल पर अभी एक दो साल के अंदर क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें रिजल्ट, तो देखिए जो क्रॉप की प्रोडक्शन है, जो फसल होती है उसमें डिक्लाइन आएगा क्योंकि उनको जिस मात्रा में क्लाइमेट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा हम देख पाएंगे यहाँ पर कि जो रिवर्स होती हैं, जो हमें देखने को मिलता है कि जो फॉरेस्ट फायर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रिवर्स के अंदर पानी कम होगा, जो कि लोकल यहाँ पर रिवर्स की बजाय भी बल्कि जो चैनल्स होते हैं उनके अंदर फॉरेस्ट फायर्स गर्मी की वजह से बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ड्रॉट भी यहाँ पर आ सकता है, कुछ जगहों पर सूखा देखने को मिल सकता है। तो ये ऐसे हैं जो कि शॉर्ट टर्म रिपरकशंस देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि इकोनॉमी पेज से लिया गया है। आर्टिकल बात कर रहा है बैंकिंग लिक्विडिटी डेफिशिएट के बारे में। ये कह रहा है कि टॉप्स कर चुकी है, 2,00,000 करोड़ हो चुकी है, क्योंकि बहुत लोग क्या है लोवर स्पेंड कर रहे हैं, वीक डिपॉजिट हो रहा है। देखिए अब ये आर्टिकल देखे तो मैं आपको जस्ट 2 मिनट में समझा के आगे निकल सकती हूँ कुछ डाटा देखे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा यहाँ पर होगा नहीं। हमें इसको किस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये GS पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी के भाग में बहुत ज़्यादा महत्वता रखता है, तो हमें इसको ढंग से समझना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे आपको बताना पड़ेगा कि लिक्विडिटी डेफिशिएट का ये मामला है क्या। आर्टिकल डिस्कस कर रहा है कि इंडिया के अंदर, इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है ना फिलहाल में, उसमें हमें कहीं ना कहीं यहां पर एक लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। ये जो लिक्विडिटी क्राइसिस है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही कम स्पेंड कर रहे हैं। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी कम हो गई है, लोगों की स्पेंडिंग यहां पर कम है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है यहां पर RBI कि जब बातें करते हैं तो उससे जो मनी इंजेक्ट होती है वो फिलहाल में हाईएस्ट है। दिसंबर 28 के हिसाब से सबसे ज्यादा, मैं कह रही हूं ना, 2,00,000 करोड़ यहां पर मनी निकाली गई है। लिक्विडिटी डेफिशिएंट दिसंबर में एडवांस टैक्सेस को भी यहां पर एट्रीब्यूट किया जा रहा है कि क्योंकि आप पहले ही टैक्स ले रहे हो, GST की जो पेमेंट्स है वो आपने पहले ही लेनी शुरू कर दी है, एडवांस लेनी शुरू कर दी है, तो इसी वजह से भी एक क्राइसिस हुआ है। अब हमें समझ में आ गया आर्टिकल क्या बात कर रहा है। अब हम समझते हैं कि लिक्विडिटी डेफिशिएंट एक्चुअली में होता क्या है। देखिए लिक्विडिटी डेफिशिएंट की जब हम बातें करते हैं ना, तो लिक्विडिटी डेफिशिएंट का यहाँ पर मतलब होता है कि आपका जितना खर्च है किसी भी बैंक का, उनके पास उतना पैसा है नहीं कि वो जो यहाँ पर उनके कस्टमर हैं उनके डिमांड्स को यहाँ पर मीट कर सके। तो नॉट इनफ हम बोल सकते हैं कि उनके पास इतना ज़्यादा होता नहीं है, फंड्स नहीं होते हैं उनके पास कि वो डिमांड्स को कंप्लीट करें। अब अगर मान लीजिए आज का 1 तारीख है और 100 कस्टमर आए हैं, सभी कह रहे हैं कि हमको 100 रुपीज़ दे दीजिए, ऐसे कर करके वो मांग रहे हैं, लगभग 1,00,000 रुपये यहाँ पर चाहिएंगे। अब ये कहता है कि मेरे पास तो बट 80,000 ही है। अब ये क्या करेगा, भाग कर जाएगा लिक्विडिटी जो आपकी यहाँ पर एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती है, LAF होती है RBI के पास में। RBI से बोलेगा हमें बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए, एक दिन के लिए 20,000 रुपये की यहाँ पर ज़रूरत है। अब RBI क्या करेगा, बोलेगा ठीक है ले जाओ, कोई बात नहीं, आप हमें एक काम करिए 2% इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे दीजिएगा, आप लेके चले जाइए। अब बैंक यहाँ पर लेगा तो बैंक सोचेगा 2% मैं RBI को दूंगा, कस्टमर से मैं यहाँ पर 4% लूंगा, 2% मेरा खुद का बेनिफिट हो जाएगा, तो वो भी इस चीज़ को डिमांड कर लेगा, ठीक है ले लेगा इसको भी। अब इससे क्या हो रहा है कि ये जो बचा हुआ पैसा है, जो 20,000 रुपये लिए गए हैं RBI से, वो डेफिशिएंट है। लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है, ऐसा पैसा जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, ऐसा घर वगैरह नहीं है राइट, कि आप उसको बेचने के लिए आपको वेट करना पड़े। जितना इजीली आप किसी चीज़ को ले सकते हो, पैसे को अपना कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो, वो होता है लिक्विडिटी, कि उसकी लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा।
आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा अभी कि डेफिशिएंट का मतलब है कि बैंक के पास थोड़ा कम है, इसी वजह से वो आरबीआई से लेके आ रहा है। और आरबीआई यही आर्टिकल बात कर रहा है कि 2 लाख करोड़ दिसंबर में सबसे ज़्यादा ये देखा गया है। फिर हम बात करते हैं कि लिक्विडिटी जो यहाँ पर देखा गया है डेफिशिएंसी, उसके कुछ फैक्टर क्या हैं, क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो लिक्विडिटी क्राइसिस के अंदर यहाँ पर योगदान दे सकते हैं। तो चलिए इसके फैक्टर्स को हम जरा थोड़ा बारीकी से देख लें। तो फैक्टर में हम देखेंगे पहला क्या फैक्टर होगा कि इंक्रीज देखने को मिलेगा आपका बैंक के क्रेडिट के अंदर। बैंक का क्रेडिट यानी कि बैंक जो कर्ज ले रहा है आरबीआई से ले रहा है, राइट? तो इसलिए ये क्रेडिट हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। फिर और हम देख पाएंगे, पहला देख पाएंगे, दूसरा हम देख पाएंगे कि देखिए एडवांस टैक्स की यहाँ पर पेमेंटेज हो रही हैं। अगर एडवांस में ही आप टैक्स को पेमेंट कर देंगे कॉरपोरेशन वगैरह जो है, अब वो लोग इतना ज़्यादा पैसा उनके पास होगा नहीं ना कि वो बैंक में रखें, तो इसी वजह से ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर निकल के आता है। तीसरा फैक्टर अगर हम देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि जब आरबीआई कुछ फोरेक्स के अंदर यहाँ पर इंटरवेंशन करता है, फोरेक्स मार्केट यानी फॉरेन एक्सचेंज की जो मार्केट है, तो भी कभी कभी ये डेफिशिएंट ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्थ नंबर पे देखा जाएगा तो ये देखा पड़ेगा कि जब गवर्नमेंट्स यहाँ पर कम खर्च करना शुरू कर देती हैं, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट जब लेस कर देती हैं अपनी स्पेंडिंग को, तो भी यहाँ पर लिक्विडिटी देखने को, लिक्विडिटी का जो डेफिशिएंसी है, कमी है, वो देखने को मिलती है। अब उसके बारे में क्यों हो रहा है ऐसा, उसको जरा हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि आर्टिकल क्या बोल रहा है। आर्टिकल ने सबसे पहले रीजंस दिए हैं, रीजंस हम देख चुके हैं कि बैंक की प्रॉब्लम्स हैं, दिसंबर में डेफिशिएंट काफ़ी हुआ है क्योंकि जीएसटी का जो पेमेंट का तरीका था उसको एडवांस टैक्स के रूप में प्राइमरली चेंज कर दिया गया है। रेट जो है डिपॉजिट का वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया है, स्लोवर हो गया है रेट। इससे क्या हुआ है, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर भी यहाँ पर अफेक्ट देखने को मिलेगा। जो म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री है उसमें क्या होगा कि जो रिटेल डिपॉजिट होते हैं ना म्यूचुअल फंड के, कि आप ठीक है थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट कर रहे हो ईएमआई टाइप के बेस में, उसमें बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं है। तो वो ग्रोथ जो होगी एक बैंक डिपॉजिट की वो यहाँ पर कम दिखाई दे रही है बैंक के डिपॉजिट में, और इसी वजह से जो ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसके एसेट में भी यहाँ पर कमी आ रही है। फिर हम देखेंगे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग से क्या फर्क पड़ता है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर है क्योंकि यहाँ पर आ जाता है कंसेप्ट। आपने सीधा सीधा ये सारी चीज़ें समझ ली, ठीक है, कंसेप्ट समझने के लिए आपको थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता है। तो जब गवर्नमेंट की इंपैक्ट क्या होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का यहाँ पे, कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो होती है आपकी वो इम्पैक्ट कर जाती है जब गवर्नमेंट की जो आपकी यहाँ पर हम देख पाएंगे कि स्पेंडिंग है, खर्चा करिए गवर्नमेंट, उसमें कमी आती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर देखने को मिलता है कि जो रोल है लिक्विडिटी सिचुएशन को, वो यहाँ पर अफेक्ट होता है। क्यों होता है, सबसे पहले मानिए कि अगर नॉर्मली जो बैंक के डिपॉजिट हैं उनमें इंक्रीज़ कैसे आएगा, पहले जब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, स्पेंड करेगी। यूजुअली गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पर स्पेंड करती है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, पब्लिक सर्विसेज कुछ बना देती है, कुछ सेक्टर्स होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को यहां पर प्रमोट करती है। तो ये सारी चीजें जब गवर्नमेंट करती है तो इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो यहां पर काम करते हैं, राइट? और जो वो लोग काम करते हैं यहां पर, उनको इस काम को करने के लिए बहुत सारा पैसे भी दिए जाते हैं। उनको जब पेमेंट मिलती है, पैसे मिलते हैं, तो वो क्या करेंगे, उन पैसों को जाकर यहां पर जमा करवा देंगे बैंक्स के अंदर। इससे बैंक्स के पास क्या होगा, बैंक्स के पास पैसा होगा कि वो उस पैसे को क्रेडिट कर सके, लोन पर दे सके दूसरे लोगों से, क्योंकि बैंक के पास पैसा कहां से आता है, लोगों का ही जो डिपॉजिट होता है वही बैंक के लिए उसका क्रेडिट बन जाता है, वही उसका एक कर्ज है, उसी को वो क्रेडिट पे दूसरे लोगों को प्रोवाइड कर देता है, इंटरेस्ट कमाता है कुछ परसेंट। वो मान लीजिए 7% इंटरेस्ट कहाँ से ले रहा है, जिसको उसने कर्ज किया, और जिसने बैंक में जमा किया है उनको वो 2% दे रहा है, 5% वो क्या कर रहा है, अर्न कर रहा है पैसे को देके। तो इस तरीके से बैंक की पूरी फाइनेंशियल जो कमिटमेंट है वो होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे और रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे 4% यहाँ पर क्या होगा, SSR रखना पड़ता है, स्टेटूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। तो ये भी होता है कि आपको इतने से ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो, आप क्रेडिट में नहीं देंगे, क्योंकि अगर इतना पैसा आपके पास नहीं रहा, RBI डिपेंड करती है कितना परसेंटेज आपको रखना पड़ेगा टोटल में से, तो हो सकता है कि किसी भी टाइम, मान लीजिए सभी ने यहाँ पर बैंक से जो क्रेडिट लिया था वो नहीं दे रहे हैं, तो बैंक तो यहाँ पर घोटाले में चला गया ना। तो इसी वजह से ये हो सकता है कि ताकि बैंक बंद ना हो, तो उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड के लिए
भी आरबीआई कुछ यहाँ पर लिमिट्स लगाता है कि आप कितना पैसा बोरो या फिर जो क्रेडिट है वो कर सकते हैं। फिर बैंक्स वगैरह से भी गवर्नमेंट कई बार बोरोइंग करती है, गवर्नमेंट को कोई प्रोजेक्ट वगैरह करना अपनी फंड की स्पेंडिंग के लिए, तो वो कमर्शियल बैंक की मनी को यहाँ पर ले लेती है। और इससे क्या होगा ना कि अगर वो बोरो करेगी कुछ टाइम के लिए तो इससे क्या होगा कि जो डेफिशिएट है वो हो जाएगा, लेकिन जब गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरेस्ट देगी, जब गवर्नमेंट यहाँ पर स्पेंड करेगी फंड्स जो और आएंगे, तो उससे वो जो डेफिशिएंट होगा वो और ज़्यादा फ्यूचर के अंदर लिक्विडिटी जो होगी वो बढ़ेगी, ना कि घटेगी। शॉर्ट टर्म में ऐसा लग सकता है कि घट गया। फिर इंटरेस्ट रेट से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। मान लीजिए अब गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर स्पेंड कर रही है, ठीक है, अब गवर्नमेंट जब स्पेंड कर रही है किसी चीज़ के ऊपर और मान लीजिए उस कारणवश से यहाँ पर महंगाई भी ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो जब महंगाई मिलती है तो अब बैंक्स को के पास वायदा क्या होगा कि बैंक्स को उनका इंटरेस्ट रेट महंगाई को कम करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अब ये जो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, बहुत सारे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट भी होते हैं कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको शुरू में 2% देना पड़ रहा था लेकिन बाद में जाने के बाद आपको 4 देना पड़ रहा है, 6 देना पड़ रहा है, तो ये जो फ्लोटिंग होते हैं या फिर वैसे जो होते हैं उनसे बैंक्स को ज़्यादा यहाँ पर फायदा होता है। बॉन्ड के परचेजेस होते हैं, गवर्नमेंट ऑफन क्या करती है कि वो इशू करती है बॉन्ड्स को, और जब बैंक इन बॉन्ड्स को खरीदता है तो उनका जो कैश होता है वो रिड्यूस हो जाता है, राइट, तो इसी वजह से उनकी लिक्विडिटी यहाँ पर कम होती है। लेकिन जब वो इन बॉन्ड्स को बेच देता है तो वो इनको या फिर कोलेटरल दे देता है लोन्स की तरफ में फ्यूचर में, तो ये खुद में एक सोर्स भी बन सकते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी का, ठीक है, गिरवी रख देता है इन्हीं बॉन्ड्स को कि ठीक है आप हमें ये लोन दीजिए ये हम करेंगे। और इसके बाद हम देख बातें हैं कि कैसे ओवरऑल और भी जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें की गई हैं, जैसे हम देख पाएंगे यहाँ पर कि कैसे जीएसटी के बारे में बातें की गई हैं कि जीएसटी पेमेंट्स जो है उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो इन्फ्लेशन और फिस्कल कंसोलिडेशन होता है, जैसे रिटेल इन्फ्लेक्शन हम देख पाएंगे, रिटेल की जो महंगाई है वो 5% से बढ़ गई है, कल ही हमने इसको ढंग से डिस्कस किया था, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल कहीं पर हमें दिखाई दे रही है कि लिक्विडिटी एफिशिएंसी का रीजन बनी हुई है। इनको ख़त्म कैसे किया जा सकता है वो हम बात कर चुके हैं कि गवर्नमेंट की स्टैंडिंग को बना देना चाहिए, एडवांस टैक्स की जगह में बाद में टैक्स लेना चाहिए, पॉज लेना चाहिए, बैंक से जो क्रेडिट होता है इंक्रीज जो है वो डिक्रीज हो जाना चाहिए क्योंकि डिपॉजिट ज़्यादा होना चाहिए और गवर्नमेंट की यहाँ पर स्पेंडिंग बढ़ी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं जो कि फिर से जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के लिए ही हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात कर रहा है अन इंश्योरेंस लॉसेज ऑफ $32.94 बिलियन इन इंडिया ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स इन 5 ईयर। स्विस रे की एक रिपोर्ट यहां पर आई है, देखिए एक रिपोर्ट छापी गई है किसके द्वारा, स्विस रे नाम की एक मल्टी कैप कॉरपोरेशन ये है, ये जो रिपोर्ट छापती है ये बताती है कि इंडिया के अंदर जो अन इंश्योरेंस है यानी कि जिनका इंश्योरेंस नहीं लिया गया है वो डिजास्टर के अंदर लगभग 2018 से लेकर 2022 तक का अगर डाटा देखा जाए तो पता चलता है कि यहाँ पर अन इंश्योरेंस्ड जो लोग हैं उनका जो कैटास्ट्रोफिक हुआ है यानी कि कोई भी दुर्घटना हो गई है एनवायरमेंट रीजंस की वजह से $32.94 बिलियन का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला है। तो इसकी वजह से होना क्या चाहिए कि यहाँ पर जो इंश्योरेंस है उसको बढ़ा देना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक लॉसेस दिखाए गए हैं नेचुरल कैटास्ट्रोफिक से, अनसिक्योर्ड जो लॉस थे 2022 में हम देख पाएंगे बिलियंस में 1.46 बिलियन का ये लॉस हो चुका है और इंश्योरेंस लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ है। आप देखिए कैसे जो ये अनसिक्योर्ड है 97% से ज़्यादा यहाँ पर भूमिका लगाए हुए हैं और कितने कम है जो सिक्योर्ड लोन्स है जिनके ऊपर इंश्योरेंस लिया गया है कि अभी क्या होगा, इंश्योरेंस अगर आपको कोई लॉस हो भी जाता है तो उसकी भरपाई कंपनी करेगी, वो 0 पॉइंट्स के अंदर यहाँ पर निकल कर डाटा आता है। अब मेन पॉइंट यहाँ पर है कि मैग्नीट्यूड क्या है अन इंश्योरेंस लॉसेस का, 2018 से 2022 का हम देख चुके हैं कैसे इतना ज़्यादा बड़ा है वो, और इससे मतलब है कि बहुत सारा जो डैमेज था उसकी कॉस्ट को किसी भी इंश्योरेंस की पॉलिसीज के द्वारा कवर नहीं किया गया है। सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे कि ये होता क्यों है, देखिए इसका कारण जो है ना कि इंडिया की पोजीशनिंग क्या है, क्या क्या इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन हमें पहले ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये लो इंश्योरेंस के एक्चुअली में रीजंस क्या क्या हैं।
तो चलिए एक बार उसको ध्यान से देख लेते हैं यहाँ पर कि क्या क्या रीजंस हैं जो जिन कारणों की वजह से जो इंश्योरेंस है वो यहाँ पर कम पेनिट्रेट कर पाता है। नुकसान तो हमें समझ में आ गया है कि लोगों को इतना नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिर भी इंश्योरेंस की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। तो हम देख पाएंगे कि सबसे पहला रीजन तो यहाँ पर है कि लैकनेस है अवेयरनेस की, यानी कि लोगों को एक्चुअली में इतना ज़्यादा पता ही नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतना ज़्यादा पता ही नहीं है कि वो किस तरीके से जो कंसेप्ट है इंश्योरेंस का उसको यहाँ पर समझ सकते हैं, कैसे वो इसको यूज़ ले सकते हैं उनकी रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर। और सबसे ज़्यादा ये जो रूरल एरिया है, सेमी अर्बन एरियाज है, वहाँ पर क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड आपकी जो शिक्षा होती है वो काफ़ी लिमिटेड है, तो इस वजह से वो इसको नहीं कर पाते हैं। सेकेंड हम देखेंगे अफोर्डेबिलिटी का भी यहाँ पर एक इशू है। देखिए बहुत सारी वेल्थ इंडिया के अंदर नहीं है और इसी कारण से इनको अफोर्ड कर पाना, इकोनॉमिक डिस्पेरिटी बहुत है, तो बहुत सारे इंडिविजुअल इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं और वो इंश्योरेंस प्रीमियम्स को एक एडिशनल फाइनेंशियल बर्डन की तरह यहाँ पर देखते हैं और इसी वजह से उन पर काम नहीं कर पाते हैं। थर्ड हम देखेंगे कि इसकी रीच जो है वो काफ़ी लिमिटेड है। देखिए जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर तो ओवरऑल आप इंश्योरेंस को काफ़ी अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन जब यही इंडस्ट्री जाती है स्पेशली रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वहाँ पर इसकी रीच बहुत ही कम हो जाती है, वहाँ तक ये कम पहुँच पाती है। फोर्थ रीज़न यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज करने वाली है इंश्योरेंस की जब हम पॉलिसीज़ की बातें करते हैं। क्यों है, क्योंकि बहुत ही लीगल फ्रेम्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसे कब आपको वो मिलेगा कब नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीज़ें किसी ले पर्सन के लिए समझ पाना, जिसको खासकर फाइनेंशियल लिटरेसी जिसकी कम है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हम देखेंगे कुछ और भी रीज़न्स है, ये सारे रीज़न्स तो थे, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज की भी कुछ बहुत बड़ी गलतियाँ, जैसे मिस सोल्ड कर देते हैं कुछ पॉलिसी इसको बिना बताए हुए या बहुत कम बता के, यहाँ पर जिनसे ट्रस्ट डेफिशिएट पैदा हो जाए वैसी चीज़ों को यहाँ पर बेच दिया जाता है, गलत गलत पॉलिसीज़ को। जब एक दो इंसान के साथ ये होता है तो पब्लिक के अंदर जो भरोसा है इंश्योरेंस सेक्टर से वो यहाँ पर कम हो जाता है और इसी वजह से वो इस चीज़ पर काम नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं यहाँ पर मिस फ्रॉड हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि क्या होता है, कुछ लोगों की ना प्रेफरेंस भी होती है, कुछ लोग क्या चाहते हैं कि उनको शॉर्ट टर्म बेनिफिट जल्दी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी उनको बेनिफिट देखने को यहाँ पर इच्छा होती है, तो इसी वजह से जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है ना इनके लिए भी लोग यहाँ पर जो इंश्योरेंस जैसी पॉलिसीज है कि हम कहीं और पर इन्वेस्ट कर लेंगे हमें ज़्यादा बेनिफिट दिखेगा उसकी तरफ ज़्यादा जाते हैं। और एट द एंड में हम समझ पाएंगे कि यहाँ पर लेजिस्लेशन का भाग भी बहुत बड़ा है, कि जो लेजिस्लेशन है इनके ऊपर जो कार्रवाई है, नियमावली है, वो काफ़ी ज़्यादा इनएडिक्वेट है, बहुत ही ज़्यादा उचित हमें देखने को यहाँ पर नहीं मिलती है, तो इसी वजह से ये भी एक यहाँ पर भूमिका जो है वो निभाता है। इसी वजह से इन सारे कारणों की वजह से जो रीजन है इंश्योरेंस का वो यहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है, लो हो जाता है। उसके अलावा अगर कुछ और डाटा हम देखें तो हम ये भी इस आर्टिकल से समझ पाएंगे कि कैसे कुछ फोरकास्ट की गई है। स्विस रे ने की रिपोर्ट ने ये भी बताया है कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम होने वाला है इंडिया का वो अभी 7.1% के हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ करेगा आगे आने वाले समय में, और इसमें दोनों जो आने वाले 5 साल होंगे उसका ये डाटा है, और दोनों के अंदर ही हम देख पाएंगे कि कैसे, चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो या फिर जो नॉन लाइफ प्रीमियम ग्रोथ होती है वो दोनों यहाँ पर बढ़ेंगी, ऐसा फोरकास्ट भी किया गया है। कुछ चैलेंजेस है कि प्रोटेक्शन गैप को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, अवेयरनेस को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, रिस्क परसेप्शन जो है वो एक सिग्निफिकेंट चैलेंज की तरह सामने आता है, लोगों को रिस्क नहीं लेना है और इन्हीं कारणों की वजह से लोग क्या चाहते हैं कि उनको थोड़ा सा वो इस चीज़ से दूर रहे, लेकिन इन चीज़ों पे काम करना चाहिए इंडस्ट्री के द्वारा। लास्ट आर्टिकल की तरफ आज हम बढ़ते हैं जो कि है डीलिंग विद अनरूली पैसेंजर्स ऑन फ्लाइट्स। देखिए क्या किया गया है, अभी एक घटना हुई थी दिल्ली के फ्लाइट के अंदर जहाँ पर एक जो पायलट होते हैं उनको यहाँ पर एक पैसेंजर डिले की वजह से उनके साथ हाथापाई करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा
अनएक्सेप्टेबल था। अब इसी के ऊपर यहाँ पर एक रूल्स बनाए गए हैं कि कुछ अनरूली पैसेंजर होंगे, यानी कुछ जो पैसेंजर जो बेकाबू हैं, किस वजह से बेकाबू हैं, हो सकता है इंटॉक्सिकेटेड हैं, उन्होंने कुछ ऐसा हम मान सकते हैं कि कुछ नशा वगैरह किया हुआ है, हो सकता है उन्होंने कुछ ड्रग्स लिए हों, इन्हीं कारणों की वजह से बेकाबू, या फिर उनको बहुत ज़्यादा एंगर इशूज़ हैं। तो उनको क्या किया जाएगा कि एक लिस्ट निकाली जा रही है एविएशन के द्वारा, DAGC के द्वारा, जो कह रही है कि ऐसे पैसेंजर को अगर वो मान लीजिए कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट कुछ कर देते हैं, या फिर वो वर्बल हैरेसमेंट कर देते हैं, 3 फेजेस में इसको बांटा गया, जो वर्बली किसी को गालियां दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, उनकी लेवल 1 है, जिनको हो सकता है कि 1 महीने तक यहां पर क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए कि वो किसी भी फ्लाइट के अंदर एक्चुअली उस जो एयरलाइन होगी उसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगा। फिर अगर कोई फिजिकल हैरेसमेंट आता है, कोई लात मार देता है, या फिर कोई यहां पर जो भी है मतलब फिजिकली असोल्ट के केसेस यहां पर देखने को मिलते, तो उस केस में मिनिमम उसको 2 साल तक बैन कर दिया जाएगा एविएशन सेक्टर के द्वारा कि वो कहीं पर भी फ्लाइट यहां पर नहीं लेगा उस एयरलाइन से। दूसरी जो एयरलाइंस है वो भी उसको बैन कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट अब लगातार निकला करेगी, ये लिस्ट जो है वो पब्लिश होगी कि कौन कौन से यहां पर पैसेंजर है जिनका बिहेवियर जो है वो लायक नहीं है। तो यही है पेनल्टी, यहां पर और ज्यादा हो सकती है कि उनको 2-2 साल तक बैन किया जा सकता है। ये मिनिमम है, मैक्सिमम अभी तक कोई अमाउंट नहीं है, मैक्सिमम कितना भी यहां पर उनको अरेस्ट करवा सकते हैं। प्रोसीजर क्या है कि मान लीजिए प्लेन में किसी ने अनरूली बिहेवियर जो है वो दिखा दिया। अब प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले जो पायलट है, अगर प्लेन नीचे ही है तो उनको नीचे उतार लिया जाएगा और एक कमेटी के पास में भेज दिया जाएगा। कमेटी क्या होगी, कमेटी एक बनेगी उनके बिहेवियर के ऊपर, जो कि जिसके अंदर जैसे कि डिस्ट्रिक्ट या फिर जो सेशन कोर्ट होते हैं उनके एक जज होंगे। सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या फ़र्क है कि सेशन कोर्ट जब होता है जब एक जज यहाँ पर क्रिमिनल केसेस को देखता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कब होता है जब यहाँ पर सिविल केसेस के ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो ये सारे जजेस उसके अंदर इंक्लूड होंगे। फिर जो यहाँ पर कंज्यूमर होता है उनका भी यहाँ पर कोई एक पर्सन जो होगा पूरी की पूरी सोसाइटी का, वो भी यहाँ पर इंक्लूडेड होगा। और इसके बाद में अगर एयर के अंदर ये हो रहा है कि जब फ्लाइट जो थी वो हवा में थी, तो उस समय पर उनके आने के बाद, नीचे उतरने के बाद इनके खिलाफ FIR करवाई जाएगी, और उसी के बाद ये कमेटी बैठेगी, और उसी के बाद जो पेनल्टी है जुडिशरी की तरफ से कि हम इनको बैन कर देंगे, ये पूरी की पूरी यहाँ पर किसके पास है, पूरी यहाँ पर अथॉरिटी होगी एविएशन सेक्टर के पास में। तो खैर यही अभी हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल था, न्यूज़ था, और यहीं पर हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म हो जाता है आज का। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर बने हुए हैं।